हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद शंकर है और ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक है बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009। इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारगर अधिनियम है भूमि विवाद को निपटाने के लिए। अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल एक एक्ट है। तो भूमि विवाद जो निराकरण अधिनियम लाया गया है, ये बेसिकली DCLR के कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और 90 दिनों के अंदर में इसकी कार्रवाई की डिस्पोजल करना होता है, समरी डिस्पोजल करना होता है। राज्य के स्वत्वाधिकार, जो स्वत्व अधिकार होते हैं, अभिलेखों, चौहद्दी, राज अभिलेखों की प्रविष्टियों, रैती भूमि की गैर कानूनी दखल तथा सार्वजनिक भूमि की आवंटियों की जबरन बेदखली से उद्भूत समस्याओं एवं विवादों का एक रूपता से सम्मान प्रक्रिया अपनाकर 90 दिन के अंदर कार्यवाही का समरी डिस्पोजल करने हेतु इस अधिनियम को लाया गया है। मतलब आप इस लाइन को पढ़े तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे जितने भी भूमि विवाद होते हैं सारे इसमें आ गए। अगर या तो सार्वजनिक भूमि से किसी को बेदखल करके, आवंटन से बेदखल करके जो विवाद हो, या फिर रैती भूमि का कोई अगर स्वत अभिलेख से संबंधित, चौहद्दी और राज्य अभिलेखों की प्रविष्टियों से संबंधित कोई भी अगर विवाद है, तो मैक्सिमम विवाद यही होते हैं। ठीक है। और इसको डिस्पोजल करने का जो सक्षम प्राधिकार बनाया गया, वो भूमि सुधार उपसमहर्ता को बनाया गया। ठीक है। इस अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम में बेसिकली 6 अधिनियमों का समाविष्ट किया गया। मतलब कि इस अधिनियम, ये 6 अधिनियम के तहत कोई भी अगर विवाद हो, कोई भी इस अधिनियम से रिलेटेड विवाद हो, तो उसकी सुनवाई भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत की जा सकती है। ठीक है। पहला है भूमि सुधार अधिनियम 1950, काश्तकारी अधिनियम BT एक्ट 1985, BPPCST एक्ट 1947, उसको भूदान एक्ट अधिनियम 1954, उसके बाद भूमि सुधार सीलिंग वाला जो है अधिनियम 1961, और उसके बाद कंसोलिडेशन वाले एक्ट। मतलब मैक्सिमम एक्ट जो पुराने थे, जो नए एक्ट छोड़कर, जैसे दाखिल खारिज अधिनियम, संपरिवर्तन अधिनियम, ये सारे अधिनियम, या फिर भूअर्जन, नए वाला भूअर्जन अधिनियम है, इस सारे छोड़कर जितने पुराने अधिनियम, जो मेन मेन अधिनियम है, उसके तहत में जितने भी उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहेंगे, उसकी सुनवाई इस कोर्ट के अंदर की जा सकती है। और इस कोर्ट के अंदर कौन कौन से मामले की सुनवाई की जा सकती है, तो इसके क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार बताए गए हैं जो इसमें, वो है इस अधिनियम में शामिल 6 अधिनियम के तहत किसी के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा बंदोबस्ती के दस्तावेज या पर्चा निर्गत के बाद बंदोबस्त या आवंटी किसी भूमि या उसके अंश से किसी बंदोबस्तधारी या आवंटी के अनधिकृत या गैर कानूनी बेदखल। मतलब ये 6 अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई अगर बंदोबस्त की जाती है या फिर पर्चा निर्गत किया जाता है और उससे अगर उसको बेदखल किया जाता है, तो इसके संबंध में इस कोर्ट के तहत सुनवाई, मतलब वाद दायर कर सुनवाई की जा सकती है। अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली के न्याय निर्णय के उपरांत विधितः सुयोग्य बंदोबस्ती धारी या आवंटी पे के पक्ष में बंदोबस्त आवंटी भूमि का दखल पुनः स्थापित करना। मतलब कि एक तो हुआ कि अगर बेदखल हो गए हैं तो उसका केस कर सकते हैं। केस होने के बाद अगर आपको, अगर सुयोग्य बंदोबस्त, अगर निर्णय, न्याय निर्णय हो जाता है, तो उसको फिर से, मतलब कंप्लायंस भी, और ऑर्डर का कंप्लायंस भी DCLR को ही कराना है। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि
अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बेदखल हो गया है तो वो जाकर उस पर सुनवाई कर सकता है। तो कोर्ट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोर्ट में आदेश कर देता है हाँ ये गलत है, इनका दखल होना चाहिए। तो इसमें DCLR केवल यही नहीं करेंगे कि हाँ इनको बेदखल किया गया, इनका दखल होना चाहिए, उस दखल होने के आदेश के साथ उस पर्टिकुलर व्यथित व्यक्ति को जो ऑर्डर दिए हुए उसका कंप्लायंस भी कराना, उसको उस पर दखल भी दिलाना, ये इस एक्ट की ड्यूटी है। ठीक है, उसी के साथ किसी विधिता सुयोग्य या बंदोबस्त धारी आवंटी की आंशिक बेदखली के कोई मामला है तो वहां पर जा सकता है। अब ये तीनों चीज हुआ, ये सरकारी संबंधित, सरकारी भूमि से संबंधित था, क, ख और ग। उसी तरह से जो घ है, अगर ये सारे मामले अगर रेती भूमि में भी है तो इसकी सुनवाई मतलब इसकी वाद दायर किए जा सकते हैं और उसकी सुनवाई होगी। पांचवा है भूखंड का विभाजन, मतलब डिमार्केशन ऑफ लैंड। अगर कोई आदमी के पास, अगर दो आदमी आपस में लड़ रहा है और बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वो भी जाकर BLDRA एक्ट में केस कर सकता है कि हम लोगों का विवाद को सुलटाया जाए और मेरे जमीन को विभाजन किया जाए। उसके बाद है मानचित्र या सर्वे मानचित्र सहित स्वत्व अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि में संशोधन। अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट में या फिर मानचित्र में सहित अगर कोई अभिलेख में कोई प्रविष्टि में संशोधन कराना है तो उससे संबंधित भी इसमें वाद दायर किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का अधिकारों का अगर अपने अधिकार से प्रख्यापन हुआ है उसको उससे संबंधित भी इसमें वाद दायर किए जा सकते हैं। सीमा विवाद से संबंधित मामले हो तो उसका भी, अगर दो आदमी सीमा का विभाजन मतलब एक सेकेंड, लास्ट वाला मैं जो बताया था भूखंड का विभाजन, अगर चार भाई है, चार भाई अपने एक खेत का विभाजन नहीं कर पा रहा है तो भूखंड का विभाजन के लिए इसमें केस किया जा सकता है। और सीमा विवाद यह है कि अगर डिमार्केशन ऑफ लैंड कराना है तो यहां से आकर दो आदमी जाकर अगर कोई डिमार्केट नहीं कर पा रहा है लैंड को तो यहां से वाद दायर करके डिमार्केशन ऑफ लैंड भी करा सकता है। और कोई आदमी अगर अनाधिकृत संरचना अगर निर्माण किया हुआ है, मान लीजिए कोई आदमी 2 फीट घुस के निर्माण किया है, उस संबंध में भी इसमें वाद दायर किया जा सकता है। वाद की सुनवाई होगी, वाद के सुनवाई के बाद जो आदेश आएंगे उस आदेश का अनुपालन भी DCLR द्वारा ही अंचल अधिकारी के माध्यम, अंचल अधिकारी और थाना के माध्यम से कराया जाएगा, ये इस अधिनियम में प्रावधान है। अब है कि DCLR आदेश कर दिए, मान लीजिए आप केस किए हुए थे, DCLR आप अपना साक्ष्य सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए और आपके पास जो गलत वाला आदमी था वो गलत तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया या फिर ये कर दिया और आपको लग रहा है नहीं मेरा इसमें न्याय नहीं मिला है, तो आप इसके आलोक में भूमि सुधार उपसंहर्ता के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर, आदेश के 30 दिनों के अंदर आयुक्त महोदय जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनके समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। और इस अधिनियम की खास विशेषता यह है कि इसमें सक्षम प्राधिकार जो है, सक्षम प्राधिकार मतलब DCLR, अपने आदेश के कार्यान्वयन हेतु, अपने आदेश का अनुपालन कराने हेतु दंडाधिकारी एवं बल प्रयोग प्रतियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। मतलब वो फोर्स का भी हेल्प लेकर और अपने आदेश को मतलब कंप्लायंस इन्फोर्स कराने का इस एक्ट में प्रावधान किया हुआ है। हम आपको पहले ही बताए कि ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एक्ट है और इस एक्ट में जो एक ये प्रावधान दिया हुआ है, पांचवा भूखंड का विभाजन, ये आप देख रहे हैं भूखंड का विभाजन, ये एक्चुअली सिविल कोर्ट में होता है। ठीक है, और सिविल कोर्ट के साथ इसका प्रोविजन DCLR एक्ट में भी कर दिया गया। तो सिविल कोर्ट ने इस एक्ट को 2014 के आसपास इसको क्वैश कर दिया था, इस एक्ट को ही खत्म कर दिया था। उसके बाद विभाग द्वारा इस एक्ट के मतलब हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गया गया और आज के डेट में यह एक्ट 15 सितंबर 2021 को फिर से ये लागू हुआ है, पूर्णतः पूरी तरह से लागू हुआ है आज के डेट में। ये जो आपको सारे जितने तरह के विवाद का इसमें केस दायर होने थे सारे केस का सुनवाई आज हो रही है और इसका अनुपालन भी DCLR द्वारा कराया जा रहा है। इन केसों का, इन वादों को 90 दिनों के अंदर में
भूमि सुधार उपसमहर्ता को निष्पादित करना होता है। और यह कोर्ट पूर्णतः ऑनलाइन है। इसके कोर्ट में कोई भी वाद ऑफलाइन दायर नहीं होता है, ना ही ऑफलाइन उसकी ऑर्डर का अपलोड होता है। और इसमें ऑनलाइन में ये व्यवस्था है कि जब उनका ऑर्डर होता है तो ऑर्डर का कंप्लायंस किया जाना है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर में दर्ज होता है। अगर कंप्लायंस किया जाना है तो किस अंचल के द्वारा किया जाना है, उस अंचल को सिलेक्ट किया जाता है और उस ऑर्डर की कॉपी उस अंचल को चली जाती है। अंचल उस ऑर्डर का कंप्लायंस करके DCLR को उसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये बताते हैं कि इस ऑर्डर का कंप्लायंस किया जा चुका है। तो ये पूर्णतः ऑनलाइन सिस्टम भी है और ये बहुत ही बेहतरीन एक एक्ट है। होप आप लोगों को इस एक्ट के बारे में समझ में आया होगा। बस इस एक्ट में आपको ये समझना है कि कौन कौन से एक्ट के मामले को इस अधिनियम के, इस विवाद निराकरण अधिनियम के अंदर लिया जाता है, तो ये 6 एक्ट हैं, और कौन कौन से तरह के मामले लिए जाते हैं, तो ये है भूखंड विभाजन, सरकारी भूमि से बेदखली, और उस बेदखली हुए हैं तो उसको ऑर्डर का कंप्लायंस, फिर जाके अगर सुयोग्य बंदोबस्ती है अगर कोई और उसको आंशिक बेदखल किया गया उसका, और अगर यही सारा चीज अगर कोई रैयती भूमि है और उसको बेदखल कर दिया गया है तो उसके लिए भी लागू होता है। उसके बाद अगर डिमार्केशन ऑफ लैंड कराना है तो उसके लिए भी लागू होता है। अगर कोई रिकॉर्ड्स में चेंज कराना है उसके लिए, या फिर कोई अपने अधिकार से प्रख्यापन है तो उसके लिए, या फिर कोई अनाधिकृत संरचना बनाया हुआ है, तो उस तरह के विवाद इसमें लिए जाते हैं। तो कुल 9 तरह के विवाद लिए जाते हैं, 6 एक्ट के, 6 अधिनियम के अंतर्गत लिए जाते हैं। अगर कोई आदमी अगर अपने DCLR के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के अंदर आयुक्त महोदय के यहाँ जाकर अपील दायर कर सकता है। इस एक्ट की समरी इतना ही है। इस एक्ट बहुत ही छोटा एक्ट है, ये आप राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं।